दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लौंडिया की है जिसकी तितली का रस सारा जमाना पीना चाहता है और इससे दबा दबा के भटाभट 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 भी करना चाहता है। ये इतनी मस्त पटाखा लौंडिया है कि हर कोई लौंडा आदमी इससे शादी करना चाहता है। तो चलिए देखते हैं ये लौंडिया किस किस को अपनी तितली का रस पिलाएगी। कहानी की शुरुआत में हम एक नाइट क्लब के बाहर इसी लौंडिया रीमा को देखते हैं जो कि एक आदमी से लेने देने की बात कर रही थी। रीमा इस क्लब की सबसे कैड़ी लौंडिया थी, इस वजह से उस पर काफी पैसा था और उसके बतेरे क्लाइंट थे जो उससे कभी भी भटाभट 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 कर लेते थे। अब इस क्लाइंट से पेलमपाली करने के बाद रीमा अपनी सहेली सीमा से मिलती है जो अपने फेवरेट क्लाइंट सचिन के ना आने से बहुत दुखी थी। अब सीमा की भसड़ सुनने के बाद रीमा नाइट आउट करने के लिए क्लाइंट के पास जाती है। तभी रास्ते में रीमा को उसके भाई टोनी का कॉल आता है तो सीमा कहती है, और टोनी कैसा है तू? तो टोनी कहता है, मैं तो बढ़िया हूँ पर मम्मी की तबीयत खराब है और तूने मुझे ट्यूशन की फीस भी नहीं भेजी। तो रीमा उससे कहती है कि मैं कल घर आकर सबकी परेशानी दूर कर दूंगी। इसके बाद रीमा अपने क्लाइंट के पास पहुंच जाती है जिसका नाम जॉर्ज होता है। रीमा के आते ही जॉर्ज का गन्ना जोर जोर से भन्ना जाता है। तो अब इसके बाद रीमा ने जॉर्ज के गन्ने को वो खाया कि मियां जैसी पीठ तार भी फेल हो गई और जॉर्ज ने वो भटाभट 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 करी कि जॉनी जैसे पीठ तार भी फेल हो गए। अब रीमा का जोशीला जोश देखकर जॉर्ज इसका दीवाना हो जाता है और उसे दबा के पैसे देता है। रीमा वो पैसे लेकर सुबह अपने घर जाती है और अपनी माँ को इलाज के पैसे और टोनी को उसकी ट्यूशन फीस भी दे देती है। अब रात भर मियां फेल पिलाई करने के बाद रीमा बहुत थकी होती है तो वो आराम करने के लिए जाती है कि तभी उससे मिलने उसकी सहेली काली मवेशी आ जाती है। काली मवेशी को भी कुछ पैसे चाहिए थे इसीलिए रीमा उसे भी कुछ पैसे उधार दे देती है। वहीं शाम को रीमा के बॉयफ्रेंड भंग झोपड़ी का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए हॉस्टल में बुलाता है। दरअसल दोस्तों, भंग झोपड़ी पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा रीमा ही देती थी। इसके बाद रीमा हॉस्टल में आकर भंग झोपड़ी से ऐसा भटाभट 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 करती है कि जैसे इसने भांग पी ली हो। दूसरी तरफ जॉर्ज अपने एक डिटेक्टिव दोस्त से रीमा की सारी जानकारी निकलवा लेता है पर उसमें उन्हें सीमा के बॉयफ्रेंड भंग झोपड़ी की कोई भी जानकारी नहीं मिलती। वैसे जॉर्ज एक अमेरिकन एजेंसी के लिए काम करता है इसीलिए उसके पास पैसे और पावर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन डिवोर्स होने की वजह से जॉर्ज की लाइफ में प्यार की कमी हो गई थी इसीलिए उसे सीमा का सहारा लेना पड़ा क्योंकि उसे रीमा के कैरेक्टर और लचीले बदन से प्यार हो गया था। तो इसीलिए वो रीमा को कॉल करके अपने फ्लैट पर बुलाता है जहाँ वो रीमा को समझाता है कि मैं तेरी गैर लिविंग में रहना चाहता हूँ, इसके लिए मैं तुझे इतने पैसे दूंगा कि तेरी धड़ंगी बॉडी कपड़ों की जगह पैसों से भर जाएगी और साथ ही मैं तेरी फैमिली के सभी खर्चों को संभाल कर तेरी माँ का इलाज भी करा दूंगा। अब इतना बड़ा ऑफर देखकर रीमा एक सेकंड में हाँ कर देती है और कहती है, हाँ मेरी जान, मेरा जिस्म और रूह सब तेरी है। अब ये सारी बात रीमा अपनी मम्मी और भाई को बताती है जिससे वो भी बहुत खुश होते हैं। रीमा जब वापस अपने घर आती है तो टोनी उसे बताता है कि भंग झोपड़ी बस तेरा फायदा उठा रहा है, वो साला नंबर वन लौंडियाबाज है। पर टीमा टोनी की बातों को इग्नोर करके वापस से जॉर्ज के पास आ जाती है जहाँ जॉर्ज उसे एक गुड न्यूज देता है कि मैं तेरी माँ की किडनी ट्रांसप्लांट करवा दूंगा, इसके लिए तुझे या तेरे भाई किसी को भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा एक दोस्त डिटेक्टिव है जो किसी डोनर का इंतजाम कर देगा। उसी बीच भंग झोपड़ी बार बार रीमा को कॉल करे जा रहा था क्योंकि उसे शक हो गया था कि रीमा को जरूर कोई और मिल गया है। अब जैसे तैसे जॉर्ज से छुप छुपा कर रीमा उसे खूब सुनाती है कि साढ़े झोपड़ी के मच्छर की आंट सब्र नाम की चीज है या नहीं। अब ये सुनकर भंग झोपड़ी बाबला हो जाता है और कहता है, ओ बहन की घोड़ी, मुझे पता है तू चस्के और पैसों की दीवानी हो गई है। अभी सेंट सेंट बातों से उन दोनों में दूरियां बढ़ जाती हैं। वहीं रात में सीमा को दो पैसों वाले क्लाइंट मिलते हैं, एक जॉनी का बेटा सोनी और दूसरा मार्कोला जो उसे एक पार्टी में ले जाते हैं और फिर दोनों मिलकर सीमा से वो भटाभट 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 करते हैं जिससे सीमा को भी मजा आ जाता है। अब जब सोनी सीमा से गालियों के साथ भटाभट 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 करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है तो वो उसमें खींच के रैपट मारती है जिसका अंजाम सीमा की मौत होती है। इसके कुछ दिनों के बाद काली मवेशी रीमा और भंग झोपड़ी का पैचअप करवा देती है और फिर वो दबा दबा के पिलाई करते हैं। उसी रात जॉर्ज रीमा को बताता है कि वो एक मिशन के लिए अफगानिस्तान जाने वाला है। उसके अगले दिन रीमा अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाती है जहाँ एक डोनर से उसकी मम्मी की किडनी मैच हो जाती है, लेकिन उसके पास $50,000 नहीं होते इसीलिए रीमा को जल्दी से अपने काम पर जाना पड़ता है ताकि वो पैसों का इंतजाम कर सके। सबसे पहले वो जॉर्ज के डिटेक्टिव के पास जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि अमेरिकन एजेंसी जॉर्ज से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही और उन्हें लग रहा है कि जॉर्ज मर चुका है। अब यहाँ सीमा जॉर्ज के सारे टिकी हुई थी कि वो उसकी माँ का इलाज कराएगा। इसके बाद रीमा
आत्मा भंग झोपड़ी से मिलती है और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगती है। तो भंग झोपड़ी कहता है, तू रहने दे, तेरी मेरी लाइफ में हमेशा जॉर्ज को लेकर बहस होती रहेंगी। इस वजह से वो उससे ब्रेकअप कर लेता है, जिससे रीमा बहुत रोती है और जैसे तैसे खुद को संभाल के अपने काम पर वापस जाती है, जहाँ उसे रात में एक अरब देश का प्रिंस बकाबू मिलता है, जो रीमा की खूबसूरती देख कर पिघल जाता है। जब रीमा को उसने अपने बारे में बताया कि मैं एक प्रिंस हूँ, तो रीमा उसके साथ ही निकल पड़ी, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी और बकाबू तो था ही नंबर वन पेलूदार। तो वो जाते ही रीमा से भटाभट 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 करने लगता है। अब रीमा से पिलाई करके बकाबू इतना खुश हो जाता है कि अरब देश की लौंडिया उसे इतना खुश नहीं कर पाती, तो इसीलिए वो रीमा के सामने एक डील रखता है कि वो उसे बहुत सारा पैसा देगा और उसे अरब देश की रानी बनाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी वुलर झील का मीठा पानी बस मुझे ही पिलाना होगा और कोई दूसरा लौंडा या आदमी तुम्हें हाथ ना लगाए। अब ये मौका रीमा को दूसरी बार मिला था, तो वो बिना कुछ सोचे समझे बकाबू को हाँ कर देती है। अब जो कुछ भी सीमा की लाइफ में हो रहा था, वो सब वो अपनी दोस्त काली मवेशी को भी बताती है। इसी बीच काली मवेशी को उल्टी होती है, तो रीमा कहती है, क्या हो गया? तो काली मवेशी कहती है कि कुछ नहीं, बस फूड पॉइजनिंग है। अब इसके कुछ दिनों के बाद न्यू ईयर आता है, तो उस दिन रीमा भंग झोपड़ी से मिलने उसके हॉस्टल में जाती है, जहाँ उसे हॉस्टल की मालकिन से पता चलता है कि भंग झोपड़ी तो काली मवेशी के साथ किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है और मालकिन काली मवेशी को ही भंग झोपड़ी की बंदी बताती है, क्योंकि वो अक्सर भंग झोपड़ी से मिलने यहाँ पर आती थी। अब रीमा समझ जाती है कि ये दोनों मेरा काट रहे थे, और साथ ही में वो ये भी समझ जाती है कि काली मवेशी प्रेग्नेंट है। वो उल्टी कोई फूड पॉइजनिंग नहीं, बल्कि प्रेग्नेंट होने की थी। ये सब जानने के बाद भी रीमा काली मवेशी से मिलने जाती है, लेकिन तभी वो उन दोनों को एक फिश स्टॉल पर मछली बेचते हुए देख लेती है। ये देखकर रीमा कहती है, अबे बहन के घोड़ो साड़ो मच्छर की पीली आंटो, तुमने मुझे धोखा दिया, अपनी गेंद उठाओ और 2 मिनट में यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद जब रीमा अपने घर आती है, तो टोनी उसे बताता है कि मम्मी हमें अकेला छोड़कर चली गई। उसके बाद उन दोनों ने अपनी माँ का फंडल किया। वहीं दूसरी ओर हम जॉर्ज को देखते हैं, जो इजिप्ट में जिंदा था और अब वो वापस घर आने वाला है। ये बात वो अपने डिटेक्टिव दोस्त को बताता है, ताकि वो रीमा से मिलकर उसे सब कुछ सच सच बता सके। उधर रीमा बकाबू के साथ कार में घूम रही थी, तभी वो रीमा को अपनी बंदूक देकर कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ, और फिर वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है। वहीं जब रीमा उन्हें देखती है, तो उसे याद आता है कि ये दोनों वही आदमी हैं जिन्होंने सीमा को जान से मारा था। तो रीमा इन तीनों का एक वीडियो बना लेती है, ताकि फ्यूचर में काम आ सके। उसी रात जॉर्ज घर आकर रीमा से मिलता है। अब जॉर्ज को देखकर रीमा बहुत खुश होती है। इसके बाद जब जॉर्ज नहा रहा था, तो रीमा जॉर्ज के कपड़ों को उठा के रख रही थी, पर इसी बीच उसे जॉर्ज की पॉकेट से बकाबू की एक फोटो मिलती है। तो जॉर्ज उसे बताता है कि बकाबू अरब देश का प्रिंस है और वो यहाँ पर टेररिस्ट अटैक करने आया है। ये जानने के बाद रीमा ने बकाबू के बारे में जॉर्ज को सब बता दिया, लेकिन अब उनका मेन मकसद बकाबू को पकड़ना था। तो इसीलिए जॉर्ज ने डिटेक्टिव के साथ मिलकर रीमा को आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, जैसे कि बॉम्ब को कैसे डिफ्यूज किया जाता है, गन कैसे चलाई जाती है। इसके बाद एक रात रीमा को बकाबू का कॉल आता है। वो रीमा को अपने पास बुलाता है, क्योंकि उसने टोनी को अपने पास बंदी बनाकर रखा था, इसलिए रीमा बिना जॉर्ज को बताए अकेले वहां से निकल जाती है। अब रीमा के आते ही बकाबू कहता है, ओ झोपड़ी की, तूने मेरे से गद्दारी करी, मैं तेरे से प्यार करता था और तू मेरा ही चूतिया काट रही थी। वहीं जॉर्ज जागने के बाद अपनी टीम के साथ रीमा को ढूंढने लग गया था। उधर रीमा ने जैसे तैसे बकाबू को घायल कर दिया था और टोनी के साथ वहां से भागने लगती है, पर जाने से पहले वो देखती है कि बकाबू ने उनके एयरपोर्ट पर बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान बनाया है। ये सब देखकर रीमा टोनी को वहां से भगा देती है और खुद बकाबू के बॉम्ब को ढूंढकर अपनी बॉडी में फिट करके ऑन कर लेती है। इसके बाद वो जॉर्ज को फोन मिलाती है, जो कि अब उसकी बिल्डिंग के नीचे आ चुका था, और वहीं वो जॉर्ज को आई लव यू कहती है कि तभी वहां बकाबू अपने साथियों के साथ आ जाता है। तो तभी रीमा बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है, जिससे रीमा के साथ साथ वो सभी मारे जाते हैं, और रीमा की इसी कुर्बानी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम मूनलाइट बटरफ्लाई है, जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको ये मूवी देखनी है या डाउनलोड करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से कर सकते हो।